न्यूज धमाका लाइव, यहां सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज में 10 दिवसीय एनसीसी कैडेटों के लिए सीएटीसी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे कोल्हान क्षेत्र से लगभग 600 एनसीसी कैडेटों ने हिस्सा लिया। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य एनसीसी कैडेटों को ड्रिल, पीटी, साथ ही साथ हथियारों का प्रशिक्षण प्रदान करना है। इतना ही नहीं, एनसीसी कैडेटों को एकता और अनुशासन का पाठ भी पढ़ाना इस कैंप का मुख्य उद्देश्य है। वहीं जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल जीके मिश्रा ने बताया कि कैंप के माध्यम से कैडेट घर से बाहर निकलते हैं, विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय व संस्कार के बच्चों के साथ मिलते हैं, एक साथ रहते हैं, खेल कूद करते हैं, अपने सारे कार्य को करते हैं। ऐसे में उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत कुछ करने का मौका भी मिलता है। इतना ही नहीं, एकता और अनुशासन को किस तरह से अपने जीवन शैली में उतारना है, इसका भी वे पाठ पढ़ते हैं। और फर्स्ट सीएटीसी ट्रेनिंग कैंप फॉर द एनसीसी कैडेट्स इन कोऑपरेटिव कॉलेज स्टार्टेड ऑन फर्स्ट एंड ओपनिंग एड्रेस एंड दिस कैंप इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल वी हैव अप्रॉक्स 600 कैडेट्स and out of the 600 cadets, 400 cadets are for boys cadets and 200 girls cadets from various institutions of Jharkhand, East Sibhumi, West Sibhumi and other districts also. The aim of this camp to impart basic literacy training to the cadets and give them opportunity to excel and learn the NCC motto, the Ekta Anushasan, and this is the camp which is going to provide them to excel in various fields. Like we have all lots of events coming up and they are lined up. Like we have select cadets for the Thalsana camp, there is the guys being selected for the RD camp also. And this is the thing where all are going to participate, they are very happy. We have almost 90% strength that these cadets are the joining first time. So they are new cadets, will engrave a lot of things into them. We provide them basic PT, we have drill practices there, and we will provide them weapon training also, basic military tactics and map reading. And hope they will all enjoy this camp and we will achieve our aim of this NCC camp.